बीते दिनों दिल्ली में मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ कांग्रेस अध्यक्ष की बैठक हुई। इस मीटिंग के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मीडिया के सामने यह दावा कर दिया कि प्रदेश कांग्रेस को 150 सीटें अगले विधानसभा चुनावों में मिलने जा रही हैं। 136 मिली कर्नाटक में, हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। पर इस बात से ज्यादा चर्चा इस बात की है कि जब उनसे प्रदेश में कांग्रेस के सीएम फेस के बारे में पूछा गया तब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और दोबारा इसी बात को दोहरा दिया कि मध्य प्रदेश में 150 सीटें आने वाली हैं। सीएम का चेहरा क्या कमलनाथ होंगे मध्य प्रदेश में? भैया 150 सीटें आने वाली है। थैंक यू। अब तक सब एक ही सुर में कमलनाथ को प्रदेश कांग्रेस का चेहरा बता रहे थे और उन्हें ही कांग्रेस का सीएम फेस भी कह रहे थे। अब नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भी यह कह दिया कि जो जिसका समर्थक है वो उसको मुख्यमंत्री बनता देखना चाहता है। कुछ लोग तो हमारा भी नाम ले देते हैं। कुछ लोग हमारा भी नाम ले रहे हैं, जो जिसके समर्थक है वो उसकी बात करते हैं। अब नेता प्रतिपक्ष के इस बयान के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में फिर एक बार वही पुराना सवाल सामने आने लगा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन। अब तक तो सभी कमलनाथ का नाम एक सुर में कह रहे थे, पर अब इस मीटिंग के बाद ऐसा क्या हुआ कि कोई भी इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहा है। यह सवाल अब फिर से सवाल ही बन गया है क्योंकि इसका स्पष्ट जवाब देते हुए फिलहाल कोई कांग्रेस नेता नहीं दिख रहा है।